हिमालयन कार रैली को मसूरी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कार रैली में भाग लेने आए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। कार रैली में भाग लेने के लिए कई राज्यों से लोग आए हैं। इसका समापन दिल्ली में होगा। इस मौके पर लेखक गणेश शैली ने बताया है कि हिमालयन कार रैली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं कार रैली के संयोजक अमन किदबई ने बताया है कि साल 1982 से इस कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जो हिमालय के दूर दराज के क्षेत्रों तक कार रैली के माध्यम से जाते हैं। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। रैली जो आज सुबह से रुकने के बाद जा रही है, फ्लैग ऑफ हो रही है, इससे मेरी समझ में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए तो इसमें काफी दूर जाएगा ये टूरिज्म के लिए। और ये हमारी स्टेट ही यू नो द मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी इज टूरिज्म। और Now, of course, things have changed a lot, much more modern. The cars have changed completely in India from 1980 to now. So we're now much more of a, what I'll call leisure, tourism, sightseeing, that kind of thing is incorporated.